नमस्कार, आप सुन रहे हैं न्यूज बिहार झारखंड। 9 जनवरी शनिवार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं प्रिया तायल। आज के मुख्य समाचार। बिहार जेडीयू में बड़े बदलाव की तैयारी, बुजुर्गों को किनारे कर सकते हैं नए चेहरे। पटना लौटे तेजस्वी बोले, सीएम नीतीश से कोई समझौता नहीं, हम मध्य अवधि में चुनाव को तैयार। झारखंड के चतरा में हैवानियत की हद पार, 50 साल की विधवा से गैंगरेप कर प्राइवेट पार्ट में डाला स्टील का ग्लास। झारखंड में बर्ड फ्लू पर हाई अलर्ट, जमशेदपुर में 14 कौओं की मौत, 1977 सैंपल जांच के लिए भेजे गए कोलकाता। रेलवे चलाने जा रहा है आस्था सर्किट स्पेशल ट्रेन, कम बजट में मिलेगी खाने पीने से लेकर ठहरने तक की सभी सुविधाएं। अब खबरें विस्तार से। बिहार में जेडीयू के राष्ट्रीय नेतृत्व में बदलाव के बाद अब पार्टी की राज्य इकाई का भी स्वरूप बदलने की तैयारी है। 10 जनवरी को राज्य कार्यकारिणी एवं राज्य परिषद की संयुक्त बैठक होने वाली है। यह बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है और इस पर बिहार के तमाम सियासी दलों की निगाहें टिकी हुई हैं। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह इस बारे में इशारा देते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद संगठन में बदलाव की जरूरत महसूस हो रही है। जिन लोगों ने चुनाव में अच्छा काम किया है उन्हें उसका इनाम मिला। तेजस्वी यादव ने पटना लौटते ही बिहार में नीतीश कुमार के साथ राजनीतिक समझौते की संभावनाओं पर विराम लगा दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि दोबारा उनके साथ जाने का कोई सवाल नहीं उठता है, यह सरकार ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है, हम मध्य अवधि चुनाव के लिए तैयार हैं। दरअसल बीते कुछ दिनों से बिहार की राजनीति में ये चर्चाएँ आम तौर पर सुनी जा रही थी कि नीतीश कुमार बीजेपी से अंदर ही अंदर नाराज चल रहे हैं और इसी नाराजगी की वजह से आरजेडी और जेडीयू के एक बार फिर मिलने की संभावनाएं हो रही हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने नीतीश से कोई भी समझौता नहीं करने की नीयत साफ कर दी है। यूपी के बदायूं में 50 साल की महिला के साथ हैवानियत की घटना अभी पुरानी भी नहीं हुई थी कि झारखंड के चतरा में भी 50 साल की एक विधवा के साथ हैवानियत की घटना सामने आई है। चतरा जिले के एक गांव में एक महिला के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। आरोप है कि 3 युवकों ने महिला के साथ गैंगरेप किया। युवकों ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए महिला के प्राइवेट पार्ट में स्टील का ग्लास डाल दिया। गंभीर हालत में महिला को इलाज के लिए गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। फिलहाल महिला खतरे से बाहर है। वहीं पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिसके बाद झारखंड में हाई अलर्ट किया गया है। सरकार ने एहतियात के तौर पर राज्य भर से पक्षियों और मुर्गों के 1977 सैंपल लेकर जांच के लिए कोलकाता भेजे हैं। फिलहाल झारखंड में एक भी बर्ड फ्लू का मामला सामने नहीं आया है। हालांकि दूसरे राज्यों की स्थिति को देखते हुए सरकार सतर्क है। डॉक्टरों के मुताबिक मुर्गियों में बर्ड फ्लू के लक्षण कलगी फूल जाना, कलगी बाली और पैरों का रंग नीला हो जाना, नाक से पानी आना, सांस लेने में तकलीफ और चलने में लड़खड़ाना हो सकते हैं। कोरोना काल के बीच श्रद्धालुओं को दक्षिण भारत के धार्मिक स्थलों के दर्शन कराने के लिए भारतीय रेल ने
आस्था सर्किट स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। समस्तीपुर रेल मंडल के रक्सौल स्टेशन से 14 दिनों की यात्रा के लिए आस्था सर्किट स्पेशल ट्रेन 31 जनवरी को खुलेगी। रेलवे ने सुखद यात्रा कराने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। आस्था सर्किट स्पेशल ट्रेन में श्रद्धालुओं को सब्सिडी के तहत कम बजट में बढ़िया पैकेज दिया जाएगा। आस्था सर्किट स्पेशल ट्रेन 31 जनवरी को चलकर 13 फरवरी को लौट आएगी। यह पूरी यात्रा 13 रात और 14 दिनों की होगी और इसका कुल किराया सब्सिडी के तहत 13,230 रुपये रखा गया है। आपको बता दें, स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा होते ही 500 श्रद्धालुओं ने बुकिंग भी करा ली है। आज इतना ही, अगली मुलाकात होगी कल। नमस्कार।